अगर आप रूखे और खराब बालों की चमक वापस पाना चाहते हैं और एक स्लीक और स्ट्रेट लुक चाहते हैं, तो आपके लिए केराटिन थेरेपी का एडवांस केराटिन ट्रीटमेंट सबसे बेहतर उपाय है। ये ऐसे काम करता है जैसे कि बालों की सारी अच्छी प्रक्रियाएं एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइंट कंसल्टेशन के साथ शुरू होती हैं। ये एक रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट है जिसमें ना तो बालों का रंग बदलता है और ना ही फीका होता है। क्लाइंट के बालों के टेक्सचर को एग्जामिन करें और इंश्योर करें कि आप फाइनल रिजल्ट के लिए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ रहे हैं। एक बार जब आप एंड रिजल्ट अच्छी तरह समझ जाएं, तब बालों को अच्छी तरह धोने से प्रोसेस की शुरुआत करें, और वो भी हेयर थेरेपी के क्लैरिफाइंग शैम्पू से, एक बार नहीं दो बार। वर्जिन बालों के लिए ये 3 बार तक होना चाहिए, लेकिन केमिकली ट्रीटेड बालों के लिए 2 बार ही काफी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस प्रोडक्ट को स्कैल्प पर मसाज नहीं करना है और ना ही इसे स्कैल्प पर रगड़ना है। इसके बाद बालों को 100% टॉवल ड्राई करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि बालों से पानी ना टपक रहा हो। बालों को बराबर सेक्शंस में बांट लें। अधिकतर हेयर टाइप्स में वॉल्यूम के हिसाब से 4 से 5 सेक्शंस करने होंगे। अधिकतर केमिकल ट्रीटमेंट्स की तरह इस बात का ध्यान रखें कि क्लाइंट के बालों पर ट्रीटमेंट लगाने से पहले आपने ग्लव्स पहने हों। अब एक के बाद एक बालों के सेक्शंस पर सफिशिएंट अमाउंट में ट्रीटमेंट लगा लें, ये ध्यान रखते हुए कि वो बराबर मात्रा में लगें। नेप एरिया से शुरू करते हुए बालों की टिप तक आएं, ये ध्यान रखते हुए कि ट्रीटमेंट स्कैल्प से 1/2 इंच दूर ही लगे। शोल्डर लेंथ बालों के लिए प्रोडक्ट की रिकमेंडेड मात्रा 30 से 35 ml के बीच होनी चाहिए। मिड वेस्ट लेंथ के बालों के लिए 40 से 45 ml और वेस्ट लेंथ बालों के लिए 50 से 55 ml। हर सेक्शन में ट्रीटमेंट लगाना जारी रखें। जैसे ही पूरा ट्रीटमेंट लग जाए, ट्रीटमेंट को इवनली स्प्रेड करने के लिए बालों को कॉम करें। अब अपने बालों को रैप करने के लिए शावर कैप का यूज करें और बालों को 10 मिनट तक स्टीम करें। अब शावर कैप लगी रहने दें और 15 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर बालों को प्रोसेस होने दें। वर्जिन हेयर के केस में बालों को 10 मिनट और स्टीम करें और 35 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर शावर कैप लगी छोड़कर प्रोसेस होने दें। इसके बाद मीडियम हीट पर फाइन सेक्शंस लेते हुए बालों को 100% ब्लास्ट ड्राई स्ट्रेट करें। प्रोसेस पूरा होने पर सेरामिक फ्लैट हेयर आयरन से बालों के टाइप के अनुसार हर सेक्शन को 6-7 स्ट्रोक्स के साथ डिजायर्ड टेम्परेचर पर आयरन करें। वर्जिन बालों के लिए आयरनिंग टेम्परेचर 210 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। कलर्ड या केमिकली ट्रीटेड बालों के लिए आयरनिंग टेम्परेचर 190 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ओवर प्रोसेस्ड या सेंसिटाइज बालों के लिए आयरनिंग टेम्परेचर 170 डिग्री होना चाहिए। पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हेयर आयरनिंग, जिससे 5-6 महीनों तक का लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट इंश्योर हो सके।
अब ट्रीटमेंट पूरा हो गया है। देखें बाल कितने स्मूथ, स्ट्रेस, लस्ट्रस और लाइवली हो गए हैं। यही है परफेक्ट शाइनी और हेल्दी बालों की डेफिनेशन। लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए क्लाइंट को सलाह दें कि वो कम से कम 48 आवर्स तक बालों को न धोएं और केयर थेरेपी के रिकमेंडेड आफ्टर केयर प्रोडक्ट्स को ही यूज करें।